समस्त पाप नाश हो, जिससे आपके समस्त पापों का नाश हो जाएगा। अतः किसी पाप कर्म के हो जाने पर आप इस मंत्र का जाप अवश्य करें और हो सके तो इसका रोज नियम से अभ्यास करें। इतना प्रभावशाली है कि इससे बड़े पाप कर्म को नष्ट करने की क्षमता है। विष्णवे नित्यम् विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थम् अहंकारे गतिं हरिं चित्तस्थम् ईशम् अव्यक्तम् अनंतम् पराजितम् विष्णुमिदं शेषेण अनादिनिधनं विभुम् विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत् यच्चाहंकारो विष्णुः यद् विष्णुर्मयि संस्थिता करोति कर्म भूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं नाशो मायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्यातो हरति यत् पापम् स्वप्ने द्रष्टस्तु भावनात् तमुपेन्द्रम् अहम् विष्णुम् प्रणतातिहरम् हरिम् जगत्यस्मिन् निराधारे मज्जमाने तमस्यदा हस्तावलम्बनम् विष्णुम् प्रणमामि पराकरम् सर्वेश्वर ईश्वर विभो परमात्मन धोक्षजा ऋषिकेश 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 नमोस्तुते नृसिंहानंद गोविंद भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयाघं नमोस्तुते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्त वशवर्तिना अकार्यं महत् अत्युग्रं तच्छिमन्नय केशवा ब्रह्मण्य देव गोविंद परमार्थ परायण जगन्नाथ जगद्धात पापं प्रसमयाच्युत यथा प्रहाने सायाने मध्याने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापं जानता जानता चाहिषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारतः पापं यातु मञ्चयम् शरीरं मे ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशमयाद्य त्वं वा कृतं मम माधव यद् भुञ्जन् यद् स्वपन् तिष्ठन् गच्छन् जाग्रत यदा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यद् स्वल्पम् अपि यद् स्थूलं कुयोनि नरकावहम् तद्यातु प्रशमं सर्वं वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यद् पापं तत् प्रणश्यतु यद् प्राप्य नानिवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितम् सूर्यस्तत् पदं विष्णोस्तत् सर्वं शमयत्वघम् अथ महात्मनम् पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयादपि सारिरैर्मानसैर्वाग्जैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते
सर्व पाप ग्रहादिभ्यो याति विष्णो परम पदम तस्मात् पापी कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वाघमर्दनम् प्रायश्चित्तं अघोघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरम् प्रायश्चित्तैः स्तोत्र जपैर्व्रतैर्नश्यति पातकम्। भगवान वेदव्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक अग्नि पुराण में अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ को दिए गए विभिन्न उपदेश हैं। इसी के अंतर्गत इस पाप नाशक स्त्रोत के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनता वश चोरी हत्या और स्त्री गमन आदि विभिन्न पाप करता है, पर जब चित्त कुछ शुद्ध हो जाता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण होता है। इसलिए इस दिव्य स्तोत्र का नाम समस्त पाप नाशक स्तोत्र है।